नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। सत्य में विजयते यानी सत्य की सदैव ही विजय होती है, यह हमारे देश का आदर्श वाक्य है। और आज हमने आर पार में के स्पेशल एडिशन का नाम भी यही दिया है, क्योंकि सत्य पर लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए आज देश की सर्वोच्च अदालत ने, सबसे बड़ी अदालत ने, सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। लेकिन अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, सच जब रोशनी में आए तो न्याय सिर्फ जीवित लोगों को ही नहीं बल्कि उन्हें भी मिलता है जो जिंदगी की भागदौड़ के बाद दुनिया से चले गए हैं, वो भी शांति से सो पाएंगे। सत्य में विजय थे। लेकिन इस फैसले के बाद जो सियासत हो रही है वो शर्मनाक है। एक पिता को इंसाफ की पहली किश्त मिली है, लेकिन महाराष्ट्र के एक मंत्री अभी भी दावा ठोक रहे हैं कि ये तो सुसाइड का सिंपल सा केस है। आखिर बार बार ऐसे बयानों से साबित क्या करने की कोशिश हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सत्य में विजय थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 35 पन्नों के आदेश में देश की 130 करोड़ जनता का विश्वास जुड़ा है। जो ये 35 पेज है, इसमें देश की जनता का, देश की 130 करोड़ जनता का विश्वास जुड़ा है, जिसको महाराष्ट्र की सरकार ने, मुंबई पुलिस ने तार तार कर रखा था। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को सही ठहराया। फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार पुलिस की एफआईआर सही है, महाराष्ट्र सरकार को आदेश का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही सियासी संग्राम का नया दौर शुरू हो गया। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया है, पहले महाराष्ट्र सरकार सो रिया था, फिर संजय राउत सुशांत परिवार को धो रिया था, अब मुंबई में सरकार रो रिया है। दोस्तों, जल्दी ही सुनेंगे महाराष्ट्र सरकार जा रिया है। बीजेपी ने तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा तक मांग लिया। शांत सिंह प्रकरण के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदला नहीं करना ठीक नहीं है। अगर इस्तीफे की बात निकले तो दिल्ली तक जाए। बाहर जो दिख रहा है उससे बड़ा साफ साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है। क्यों ढिलाई बरती जा रही है? किसी को भी पूरे जांच की प्रक्रिया को कमजोर करने या रगड़ने ढीली करने में आखिर क्यों रुचि है? उधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही अजीत पवार के बेटे और शरद पवार के पोते पार्थ पवार ने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते। पार्थ पवार सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग करते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से भी मिले थे। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई की जांच का नतीजा आने से पहले ही इसे आत्महत्या का केस साबित करने में जुटी है। ये तो सिंपल आत्महत्या का केस है। उधर रिया चक्रवर्ती के वकील कह रहे हैं कि वो तो खुद इस मामले में सीबीआई जांच चाह रही थी, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीबीआई को जांच मिलने के बाद भी सियासी संग्राम क्यों हो रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सत्यमेव जयते। और अब उद्धव सरकार को सुप्रीम झटके का विश्लेषण सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव सरकार की हर दलील नाकाम हुई। कोर्ट के आदेश से महाराष्ट्र सरकार की बड़ी किरकिरी हुई। एक पिता के न्याय की जंग को राजनीति में तोलना बेहद गलत है। कोर्ट का आदेश महाराष्ट्र सरकार के लिए सियासी हार भी है। मुंबई पुलिस सबको भरोसे में लेती तो ऐसी नौबत कतई नहीं आती। करीब 60 दिन बाद मैदान में उतरी सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्या संपूर्ण न्याय दिला पाएगी? ये मेरा बड़ा क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि 52 दिन 54 दिन बहुत होते हैं सबूत मिटाने के लिए। भरपूर समय मिला है सबूत मिटाने का। क्या वाकई
जब जांच होगी तो तथ्य सामने आ पाएगा, सत्य सामने आ पाएगा, वो सबसे बड़ी बात है। मेरे साथ बात करने के लिए इस चर्चा